जी क्या हाल चाल है। आज हम पूछ चुके सोलन। सोलन आपको बता दें जो कि हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है जो कि कालका शिमला जब भी आप लाइन जाते हैं टॉय ट्रेन से तो आपको बीच में ये रेलवे स्टेशन मिलेगा। आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले सोलन सिटी के बारे में और साथ साथ में यहाँ का रेल लाइट एरिया और रेलवे स्टेशन पूरी जानकारी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अंत तक में जरूर देखें और ये सच्चाई आपको जानना चाहिए अगर आप हिमाचल का प्लान कर रहे हैं तो। तो ये देख सकते हैं सोलन रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड की बात करें जब भी आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको SOL मिल जाएगा जो कि चार ट्रैक हैं और चार ट्रैक है 1903 ईस्वी में इसे बनाया गया था। कुछ इस तरीके से यहाँ पे टॉय ट्रेन आती है देख सकते हैं इसी तरीके से जो कि दिल्ली कालका शिमला लाइन जब आप जाएंगे कालका से शिमला तो आपको बीच में ये जो है सोलन रेलवे स्टेशन पड़ेगा जो कि बहुत ही अच्छा रेलवे स्टेशन है और अंबाला डिवीजन में पड़ता है। बहुत ही संख्या में लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं। साथ साथ में यहाँ से सबसे अच्छा जो साधन है यहाँ पे जाने के लिए वो आपको ठंड में जाना पड़ेगा और जब ठंड के दिनों में जाएंगे तो बर्फबारी पूरी तरीके से देखने को मिलेगा। ये सोलन रेलवे स्टेशन है देख सकते हैं जो कि पूरी तरीके से पहाड़ियों के बीच में मौजूद है। चूंकि हिमाचल में जितने भी आपको घर मिलेंगे वो सारे पहाड़ियों में है ऊपर नीचे करके तो ये भी जो है पहाड़ों में बसा हुआ है एक रेलवे स्टेशन। छोटा सा रेलवे स्टेशन है लेकिन इसकी सुंदरता जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। जब आप ट्रेन से जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर देख सकते हैं ये पूरा दृश्य जब आप ट्रेन से जाएंगे तभी कवर कर पाएंगे। तो कालका से बहुत सारी ट्रेनें चलती कालका जो कि आपको मिल जाएगा हरियाणा में और वहाँ से कालका से आप ट्रेन पकड़ें शिमला के लिए और शिमला के लिए पकड़ेंगे तो बीच में आपको ये सोलन रेलवे स्टेशन पड़ेगा जहाँ पे आपको जो है यहाँ पे चार ट्रैक हैं साथ साथ में दो प्लेटफॉर्म है। दोनों प्लेटफॉर्मों में अलग अलग गाड़ियाँ जो है अलग अलग ट्रेनें आती है। ऑटो स्टैंड जस्ट कनेक्टेड है। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन में उतरेंगे ये बाहर के हिस्सों में जैसे ही आएंगे वहाँ से आपको बहुत सारे ऑटो मिल जाएंगे जो कि सोलन के डिस्ट्रिक्ट को आप पूरी तरीके से कवर कर सकते हैं। ये नॉर्थन रेलवे में आता है। डिवीजन की बात करें तो अंबाला डिवीजन में आता है और ओपन 1903 ईस्वी में किया गया था। इलेक्ट्रीफाइड रेलवे स्टेशन नहीं है, ये मेन एंट्रेंस गेट है। उत्तर रेलवे सोलन देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो ये नीचे से जाके और फिर ऊपर में आपको जाना पड़ेगा और ये छोटा सा रेलवे स्टेशन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको रिजर्वेशन काउंटर मिल जाता है साथ साथ में जनरल टिकट के लिए एक अलग सा काउंटर बनाया गया। तो जनरल टिकट लेना है तो जनरल भी मिल जाएगा, रिजर्वेशन लेना है तो रिजर्वेशन भी मिल जाएगा। दोनों चीज़ें यहाँ पे सुविधाएँ अवेलेबल है। तो उत्तर रेलवे में सोलन ये डिस्ट्रिक्ट है और ये देखिए यहाँ पे कंप्यूटर कृत आरक्षण कार्यालय है जो कि यहाँ से आप रेलवे स्टेशन में यहाँ से आप कंप्यूटर से जो रिजर्वेशन है वो करा सकते हैं। थोड़ा देर पहले जाना पड़ेगा और यहाँ पे मैप भी लगाया गया कि कौन सी कैसी दुर्घटनाएं होती है तो ऐसे में आप संभल के जाएं। क्योंकि छोटी ट्रेनें चलती हैं, टॉय ट्रेन जो होती हैं वो छोटी ट्रेनें होती है तो इसी वजह से ये रेलवे स्टेशन भी छोटा है। यहाँ पे दो तीन ही आपको कमरे मिलेंगे जहाँ पे लोग रहते हैं और साथ साथ में यहाँ पे रुकने की व्यवस्था नहीं है रेलवे स्टेशन में। हालांकि दो तीन घंटे आप वेट कर सकते हैं, वेटिंग रूम है। लेकिन अगर आपको होटल चाहिए तो सोलन डिस्ट्रिक्ट में आपको होटल मिल जाएगा जो कि रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद आपको बहुत सारे होटल का ऑप्शन मिल जाता है। जहाँ पे जिस तरीके से आपका बजट है उस तरीके से होटल और धर्मशाला दोनों आप ले सकते हैं। तो सोलन से भी आपको अगर शिमला जाना है, मनाली जाना है तो उन सभी जगह पे जा सकता है। हालांकि ये जो लाइन है ये शिमला की ओर जाती है। कालका शिमला लाइन मेन लाइन में ये मौजूद है जो कि बीच में पड़ता है सोलन। तो ये टॉय ट्रेन चलती है, इससे उतर के और फिर यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं। सोलन के कुछ जगह पे घूम सकते हैं जो कि यहाँ पे कुछ जगह पे आप घूम भी सकते हैं। साथ साथ में यहाँ पुलिस प्रशासन की मौजूदगी रहती है। रेलवे स्टेशन में आपको जो स्टेशन मास्टर है वो मिल जाएगा और कुछ इस तरीके से रेलवे स्टेशन है ये देख सकते हैं। तो समुद्र तल से 1994 मीटर हाइट पे हैं तो आप समझ सकते हैं कैसा रेलवे स्टेशन है। ये अलग अलग ट्रैक बनाया गया, हालांकि तीन ट्रैक इसमें जो है वो चालू है और कुछ ट्रेनें जो है ऐसे हैं। तो प्लीज चैनल को